फ्रेंड्स, अभी विंटर आ चुके हैं और विंटर में बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, तो घर पर पाव भाजी बनाना भी बहुत आसान हो जाता है इस मौसम में। तो हम आज घर पर बिल्कुल मार्केट की जैसे पाव भाजी बनाएंगे। घर पर इस तरह से गर्मा गर्म पाव भाजी बनाने की आसान सी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्नैक्स। आइए देखें पाव भाजी की रेसिपी। इसके लिए हमें बहुत सारी सब्जियों की आवश्यकता होगी। तो भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में 1/4 बीटरूट डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है भाजी में। एक बड़े साइज़ के गाजर को मैंने डाला है काट कर, और एक मीडियम साइज़ के गोभियों को फूल को मैंने इस तरह से काट लिया है और इसे डाल रही हूँ। एक मीडियम साइज़ के पत्ता गोभी का 1/4 भाग मैंने यहाँ पे बारीक काट कर डाला है, और 1.5 कप के करीब यहाँ पर पानी डाल देंगे, और 1/2 कप यहाँ पर छीले हुए ताजे हरे मटर मैंने डाले हैं, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छिलकर इस तरह से स्लाइसेस में काट कर डाल रही हूँ। अब हम इसे उबालने के लिए रखेंगे, तो यहाँ पर 1 छोटे चम्मच नमक डाल दें और इसे बंद करके हम 3 सीटियों तक इसे कुक करेंगे। अब यहाँ पर हम मसाले तैयार करने के लिए 4 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। इस तरह से काट कर हम इसे हल्के हल्के से चलाएंगे, ये एकदम बारीक कटे हुए प्याज की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म कर लें, और गर्म ऑयल में इस तरह से हम प्याज को डालकर धीरे धीरे से कुक करेंगे। प्याज को यहाँ पर मैंने बिना पानी के ही पीसा था, इससे प्याज बहुत आसानी से बारीक बारीक कटे जैसे हो जाती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो 3 बड़े चम्मच यहाँ पर अमूल बटर मैंने डाला है। अब इसे हल्के से जब ये कुक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को बारीक काट कर, या फिर 1 कप नाप कर आप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च ले सकते हैं। और थोड़ी देर इसे कुक करने के बाद हम बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि पाव भाजी मसाला में बहुत तीखापन होता है, इसलिए यहाँ पर हमें लाल मिर्च देख कर ही यूज़ करना है। तो अभी हम इसे अच्छे से, ये देखिए ऑयल छोड़ने लगा है, तब हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हल्का हल्का सा हमें मिक्सी में चलाना है, और उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी। तब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला अच्छे से डालने से ही पाव भाजी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे मार्केट वाला पाव भाजी मसाला यूज़ किया है। आप जो भी कंपनी का पाव भाजी मसाला यूज़ करते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए अब अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच और 3/4 छोटे चम्मच नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्टोर किया हुआ, फ्रिज में रखा हुआ मटर, तो ये 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। अब जो कुकर में हमने सब्जियाँ उबालने रखी थी उसमें 3 सीटियाँ बज चुकी हैं और बहुत अच्छे से ये कुक हो चुकी है। तो प्रेशर रिलीज़ करके उसे इस तरह से निकाल कर अलग से रख लेंगे हम। अब गर्म सब्जियों को हम इसमें मैश करेंगे। तो गर्म सब्जियों को मैश कर ले तुरंत तो बहुत आसानी से और अच्छे से मैश होती है। तो यहाँ पर मैं मैशर की जगह पर इस तरह से एक बर्तन से मैश कर रही हूँ इसको। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे इसे मैश करें। अब मैश की हुई सब्जियों को हम भुने हुए मसाले में डालकर मिक्स करेंगे, और बहुत अच्छे से हमें इसे भूनना है इस मसाले के साथ में। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो ये भुना हुआ जो सब्जी है वो हल्का हो जाता है भूनते भूनते, और एकदम अच्छा सा स्मूथ लगने लग जाता है। जब अच्छे से स्मूथ लगने लगे तब हम इसे एक बार वापिस से हम इसे मैशर से इस तरह से दबाकर थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। अब सब्जियां उबालने के बाद जो पानी बची थी उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने देंगे। अब बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डाल दें, और बस गर्मा गर्म भाजी तैयार है। एकदम गर्म तवे पर हम इस तरह से बीच से कटे हुए पाव को डाल देंगे,
और एक बड़े चम्मच अमूल बटर डालकर हम इसे इस तरह से घुमाकर सेकेंगे। अच्छे से गर्म तवे पर इसे सेकेंगे तो बहुत सॉफ्ट पाव अच्छे से सिकती है और अंदर से सिकी सिकी तुरंत ही हो जाती है, तो बहुत आसानी से सिकती है। थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़ा सा यहाँ पे पाव भाजी मसाला छिड़क कर इसे इस तरह से बाहर की तरफ दबा दबा कर अच्छे से सेक कर गर्मा गर्म सर्व करें। बारीक कटे हुए प्याज और नींबूओं के साथ सर्व करें। थैंक यू।